टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरिकल कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो देखिए, आपको मैंने आपको इस टॉपिक में क्या बताया था कि सब जब भी आप एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि जब एसेट का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होगा, उस टाइम पे एक न्यू अकाउंट आपको ओपन करना है, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करना है सर? एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजमेंट होगा, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। तो मैंने बताया था इस अकाउंट के डेबिट में क्या रिकॉर्ड करने है सर? लॉसेस को रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट में गेन्स को रिकॉर्ड करना है। तो एसेट, लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, इन थ्री आइटम्स में कोई भी चेंजमेंट हो तो वो अपने को रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करने हैं। तो डेबिट में लॉसेस कब होंगे सर? जब यहां पे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो और इन दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो, तो लॉसेस होते हैं, दैट दे आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे ये लॉसेस हैं। और इसके अलावा अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उनको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो और लायबिलिटीज प्रोविजन की वैल्यू जब डिक्रीज होती है, तो ये फर्म के लिए क्या होते हैं? गेन्स होते हैं। तो गेन्स जो भी होंगे, या फिर अगर कोई इनकम हो जाती है तो वो गेन्स और इनकम रिकॉर्ड होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो गेन और इनकम को हमें रिकॉर्ड करना है ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड प्रोविजन एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो सारी कंडीशन किस चीज की होती है सर? ये सारी कंडीशन होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन की। तो एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हर एक कंडीशन में ये जो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट है सेम बनेगा। तो देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे अब सॉल्व। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, पास जर्नल एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन के टाइम पे अपने को क्या करना है सर? जर्नल एंट्रीज अपने को पास करनी है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। देखिए, मशीनरी रिड्यूस बाय 16,000 एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 40,000। ये अलग अलग आपको केसेस दे रखे हैं। तो फर्स्ट केस आपको क्या दिया हुआ है सर? फर्स्ट केस इज गिवन मशीनरी रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए, मशीनरी रिड्यूस होगा तो मशीन क्या सर? एक एसेट है। और एसेट रिड्यूस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, इट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और यहां पे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। बताइए तो जरा, कितना वैल्यू डिक्रीज हुआ है? रिड्यूस बाय 16,000 बताया गया है, तो रिड्यूस बाय 16,000 यहां पे रिड्यूस्ड वैल्यू को आपने लिख दिया यहां पे। इसके बाद देखिए, इसी में आपको एक पॉइंट और दिया हुआ है, बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 40,000। ये तो प्लांट मशीनरी जो रिड्यूस हो गई और बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रही है। बिल्डिंग क्या होती है सर? बिल्डिंग बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट एप्रिसिएट होने का मतलब एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है सर? क्रेडिट करना है। तो सेकंड एंट्री में रिवैल्यूएशन तो हम क्रेडिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। लेकिन डेबिट क्या होगा सर? बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अगर आप इसको बिल्डिंग के रूल पे देखेंगे तो बिल्डिंग कौन किस में आती है? एसेट में आती है। एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है। तो ये आपका बिल्डिंग एप्रिशिएट होगा बाय रुपीज 40,000। पॉइंट फर्स्ट आपका कंप्लीट। सेकंड पॉइंट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है सर? सेकंड पॉइंट में गिवन है अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 80,000।
अच्छा जी, हमें क्या करना है सर, प्रोविजन क्रिएट करना है। किस पर? डेटर्स पर प्रोविजन क्रिएट करना है। अभी तक प्रोविजन है नहीं, लेकिन हमें क्रिएट करना है। प्रोविजन जब क्रिएट होंगे तो प्रोविजन इंक्रीज होंगे, और जब प्रोविजन इंक्रीज होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग होगी। तो यहां करेंगे अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है सर, डेबिट करना है। और प्रोविजंस क्या हो रहे, इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्रोविजंस जब इंक्रीज होते हैं तो प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं अपन। तो प्रोविजंस अकाउंट, प्रोविजन फॉर कौन सा प्रोविजन है, किस चीज के लिए प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ये एंट्री हमें यहां पे पास करनी है। जिसका अमाउंट कितना दिया हुआ सर, इसका अमाउंट दिया हुआ अपने को 80,000 का, 5% कैलकुलेट करेंगे 4,000 रुपीज होगा। थर्ड पॉइंट आपको दिया हुआ यहां पे, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज्ड, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इज इंक्रीज्ड बाय 12,000। देखिए प्रोविजन वारंटी के लिए प्रोविजन है, तो प्रोविजन क्या बता रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करो। तो लिखो यहां पे रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और आपको पता है कि प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, और जब प्रोविजंस इंक्रीज होंगे तो वो वापस से क्या हो जाएंगे सर, क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहां लिख दो आप प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी जो दिया हुआ आपने को, ये दिया हुआ है 12,000 इंक्रीज हो रहा है, तो 12,000 रुपीज से एंट्री हम पास कर देंगे यहां पे, रुपीज 12,000। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। रिवैल्यूएशन को बस इतने ही रूल के बेस पर अपने को रिकॉर्ड करना है, रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ अगला आपको, पास जर्नल एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस टाइम पे ये जो नीचे आइटम्स दी हुई है इनकी हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखिए क्या बताया आपको, जर्नल एंट्रीज पास करने फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 20,000, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, तो इन्वेस्टमेंट अब तक रिकॉर्ड में नहीं था, तो जब एडमिशन होगा पार्टनर का तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट होती है, एसेट रिकॉर्ड में आएगी तो एसेट बढ़ेगी, और एसेट बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहां करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब एसेट बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां मैं रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देता हूं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आपकी यहां पे एसेट बढ़ रही है, आपको पता है जब एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका वैल्यू कितना है, अनरिकॉर्डेड 20,000 था, अब रिकॉर्ड में आएगा तो इसकी वैल्यू 20,000 से बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्रीज हो जाएगी, तो एंट्री पास हो जाएगी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड पॉइंट देखिए आपको पढ़िए क्या दिया हुआ है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर रुपीज 5,000, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज गिवन है सर 5,000 रुपीज की। तो लाइबिलिटीज एडमिशन ऑफ पार्टनर से पहले रिकॉर्ड में नहीं थी, अब लाइबिलिटीज को हमें रिकॉर्ड में लेके आना पड़ेगा जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। तो लाइबिलिटी को जब रिकॉर्ड में लेके आएंगे तो लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा यहां पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या कर देना है सर, डेबिट कर देना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और आपको यह भी मालूम है कि लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो फिर से क्रेडिट हो जाती है। तो यहां इस लाइबिलिटी का नाम क्या है सर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, तो यहां पे टूवर्ड्स सप्लायर, तो मैं यहां लिख देता हूं क्या था, ये सप्लायर था, तो क्रेडिटर्स अकाउंट लिख देता हूं, सप्लायर को क्या लिखा जाएगा, क्रेडिटर लिखा जाएगा। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो कितना अमाउंट इसका इंक्रीज हुआ है सर, ये 5,000 था, 5,000 इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई।
इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ, पढ़िए ध्यान से। थर्ड पॉइंट गिवन है सर यहाँ पे अपने को, एन आइटम ऑफ 1600 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम हैंस शुड बी रिटर्न बैक। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होते हैं सर, लाइबिलिटी होते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर में एक अमाउंट था 1600 का जिसके लिए आप पे कोई क्लेम होगा ही नहीं, जो आपका क्रेडिटर था 1600 रुपीज का वो आप पे क्लेम करेगा ही नहीं, इसलिए आप इस क्रेडिटर को रिटर्न ऑफ कर दो, रिटर्न बैक कर दो, यानी कि बुक से हटा दो इस क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को जब बुक से हटा देंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो रिवेल्यूशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग होती है, इट मीन रिवेल्यूशन को क्रेडिट कर देंगे। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया, टू रिवेल्यूएशन अकाउंट, टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। अच्छा बताओ जरा, रिवेल्यूएशन को तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, लेकिन लाइबिलिटी में क्या था, क्रेडिटर था जो एराइज नहीं होगा, तो क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, और डिक्रीज हो गए तो आपको पता है लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाती है, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा यहां पे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद रुपीज, कितना अमाउंट था 1600 दिया हुआ, देखिए ध्यान से 1600 की लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक्स वाई आर पार्टनर ने फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दे एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर एंड द फिक्स्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपीयर एट 50,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली, ऑल डेटर आर गुड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बता रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इसका अकाउंटिंग करना। ये क्वेश्चन में बताया इसने, पार्टनर कौन है सर, पार्टनर दिए हुए यहां पे एक्स और वाई पार्टनर है, हु आर पार्टनर, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, और जेड एडमिट हो रहा है यहां पे, जेड एडमिट हो रहा है, एडमिटेड, और जेड एडमिट होने के बाद क्या बताया इसने, जेड के एडमिशन के बाद एक्स वाई और जेड का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:2:1 होगा, ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। और इसके बाद बता रहा है ऑन जेड एडमिशन, जेड के एडमिशन पर इस टाइम पे जब जेड एडमिट हुआ, ऑन एडमिशन फर्म की बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ था सर, दो चीजें दी हुई थी ऑन एडमिशन, एक तो दिया हुआ था डेटर्स, डेटर्स का वैल्यू था 50,000, और दूसरा दिया हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्या दिया हुआ था सर यहां पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ था रुपीज 5,000, डेटर्स 50 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स था 5,000 का। तो यहां देखिए अब क्वेश्चन में क्या बताया कि एडमिशन पे जब हमने रीचेक किया एसेट की वैल्यू को, तो पता लगा कि ये जो डेटर्स है सारे डेटर गुड्स है, यानी ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड। तो मुझे बताओ जब सारे डेटर अच्छे हैं, किसी पे कोई डाउट नहीं है, तो इस प्रोविजन की क्या जरूरत है भाई। तो सर जब सारे डेटर गुड हैं तो इस प्रोविजन की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इस प्रोविजन के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो यहां जब इस प्रोविजन के अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, तो प्रोविजन क्लोज होने पर प्रोविजन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो प्रोविजन की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाती है, तो प्रोविजन की वैल्यू डिक्रीज होने पर रिवेल्युएशन के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। देखो यहां पे, तो रिवेल्युएशन को इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू रिवेल्युएशन अकाउंट, रिवेल्युएशन अकाउंट तो सर क्रेडिट हो जाएगा। और यहां ये प्रोविजन जो था, ये प्रोविजन तो ऑलरेडी क्रेडिट ही होते हैं प्रोविजन, तो अब ये प्रोविजन का अकाउंट जब क्लोज होगा तो क्रेडिट से प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, तो रिवेल्युएशन क्रेडिट हो गया, तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करना ही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। कितना वैल्यू था सर इसका, इसका वैल्यू था प्रोविजन का 5,000, तो 5,000 रुपीज से प्रोविजन को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया प्रोविजन अकाउंट को। तो ये आपको यहां पे एंट्री पास कर दिया, सारे डेटर्स गुड है, इसका मतलब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोविजन अकाउंट को क्लोज करो, तो प्रोविजन ऑलरेडी क्रेडिट होते हैं, प्रोविजन जब क्लोज होंगे तो प्रोविजन क्रेडिट से डेबिट हो जाएंगे, लेकिन प्रोविजन यहां पे क्लोज हो रहे हैं प्रोविजन अकाउंट, तो प्रोविजन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इट मींस तो प्रोविजन जब डिक्रीज होंगे तो रिवेल्यूशन अकाउंट के कौन से साइड रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट में, मींस रिवेल्यूशन अकाउंट को हमें क्रेडिट कर देना। तो ये एंट्री पास हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, प्रोविजन को तो आपने रिवेल्यूशन में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में पार्टनर एक्स वाई थे,
न्यू पार्टनर यहाँ पे जेड एडमिट हो रहा था, इनका न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है। तो यहाँ ये जो रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंस रह गया, कितना बैलेंस रह गया रिवोल्यूशन अकाउंट में सर? 5000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो आपको ध्यान होगा, मैंने जब आपको इस रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर की थी, तो मैंने आपको बताया था कि रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट जो भी बैलेंस होगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। तो ये जो रिवोल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस है, इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो ट्रांसफर करेंगे। तो रिवोल्यूशन क्रेडिट है कितने से? 5000 से। अब इसको डेबिट करो तो एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज, और इसे पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट करना है सर? इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं इन ओल्ड रेशियो, जो कि कितना दिया हुआ है सर? 3:2 दिया हुआ है। तो इसको 3:2 में 5000 को जब डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा है, 3 और 2 में डिवाइड करना है, 3000 और 2000 ही आएगा यहाँ पे, 3000 और 2000 आ गया। तो 3 और 2 5 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे 1000 आएगा, 1000 इंटू 3 और 1000 इंटू 2 हो गया 3000 और 2000। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आप करेंगे यहाँ पे, 54 क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 54। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? X and Y are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share. At the time of Z's admission, stock की book value given है यहाँ पे 1 lakh, is to be reduced by 40%. Okay. Furniture की book value 60,000 is to be reduced to 40%. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक तो बाय वर्ड से रिलेटेड, एक और टू वर्ड से रिलेटेड। तो बाय और टू वर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है तुम्हें। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर? पार्टनर थे, कौन पार्टनर थे? एक्स और वाई पार्टनर थे, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, यानी ओल्ड रेशियो 3:2 हो गया। इस टाइम पे इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जेड का जब एडमिशन हो रहा है, तो बुक ऑफ अकाउंट में स्टॉक का वैल्यू था कितना? 1 lakh, बुक वैल्यू था 1 lakh, और इसमें स्टॉक में हो गई रिड्यूस। स्टॉक क्या होती है? एसेट होती है, और एसेट जब रिड्यूस होगी तो एंट्री कहां पास होगी सर? डेबिट साइड में, किसके? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो पहले तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया सर। और स्टॉक क्या था सर? हमारी एसेट थी, और आपको मालूम है कि एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो यह स्टॉक अकाउंट को आप क्या कर दो सर? यहां पे हम स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितनी वैल्यू से क्रेडिट करना है? देखिए यहां वर्ड क्या यूज किया, 1 lakh इसकी बुक वैल्यू थी और रिड्यूस बाय 40%, यानी 1 lakh का 40% कैलकुलेट कर लो, ये रिड्यूस्ड वैल्यू है, 40/100। तो 40,000 इसकी रिड्यूस्ड वैल्यू होगी, तो यहां लिखेंगे 40,000। यहां क्या वर्ड यूज कर रहा था? रिड्यूस बाय 40%, तो 40% रिड्यूस वैल्यू है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको इसमें दिया हुआ था, इसी क्वेश्चन में, दूसरी एसेट कौन सी थी इसके पास सर? दूसरी एसेट इसके पास दी हुई थी फर्नीचर, जिसकी बुक वैल्यू है 60,000 और इज टू बी रिड्यूस टू 40,000। देखो यहां पर फर्नीचर भी रिड्यूस हो रहा है, फर्नीचर भी एक एसेट है, और एसेट जब रिड्यूस होती है तो रिकॉर्डिंग कहां होती है? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। दैट्स व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें भी डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को सर डेबिट किया। और आपको क्या दिया हुआ सर? फर्नीचर एसेट, और आपको मालूम है एसेट जब रिड्यूस होती है तो क्रेडिट हो जाता है एसेट्स अकाउंट। तो फर्नीचर एसेट का नाम है, क्या नाम है सर? फर्नीचर नाम दिया हुआ है एसेट्स का, तो टू फर्नीचर अकाउंट। तो बताओ जरा यहां कितना रिड्यूस होगा? ऊपर वाले में बोल रहा था रिड्यूस बाय 40%, तो हमने बुक वैल्यू का 40 कैलकुलेट किया, रिड्यूस वैल्यू आ गई। लेकिन अब की बार बोल रहा है रिड्यूस टू 40, यानी रिड्यूस टू 40 का मतलब 40 तक रिड्यूस करना है, तो टोटल 100% होता है उसमें, उसको हमें 40 तक रिड्यूस करना है, यानी कि 60% रिड्यूस्ड वैल्यू होगी। समझे आप बात को? क्वेश्चन में बाई और टू का बहुत फर्क है। बाई जब बोलता है तो ऑलरेडी रिड्यूस वैल्यू है, वो परसेंटेज रिड्यूस वैल्यू का है, हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करना है,
और रिड्यूस टू बोल रहा है तो हमें 100 से वहां तक जाना है और बाकी जो बचेगा वो रिड्यूस वैल्यू होगा। तो यहां पे हमें क्या करना है सर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था इसकी बुक वैल्यू 60,000 थी तो हमें 40 तक रिड्यूस टू 40% तो 40 तक रिड्यूस करना है, तो 40 तो रखना है तो 100 में से 40 का तो 60% रिड्यूस करना है, मतलब ये हो गया। तो 60/100 3,36,000 रिड्यूस्ड वैल्यू आएगी, तो 36,000 से हमें ये एंट्री पास करनी है। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन। अब देखेंगे अपन रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंस होगा उस बैलेंस को हम क्या करेंगे सर, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल में। इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 40 और यहां भी रिवैल्यूएशन डेबिट है 36, इट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे तब जाके इसका अकाउंट क्लोज होगा। तो यहां क्रेडिट करके इस अकाउंट को क्लोज कर देना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, कितना था सर, यहां डेबिट 40 यहां 36, तो टोटल 76,000 से डेबिट से क्रेडिट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का। 76,000 डेबिट बैलेंस था, अब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके अकाउंट क्लोज किया। और आपको मालूम है कि रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंस होगा डेबिट क्रेडिट जो भी बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। कहां ट्रांसफर होता है सर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल में, ओल्ड रेशियो में। तो यहां पे इसकी जगह डेबिट क्या हो जाएगा सर, यहां पे एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल डेबिट हो जाएगा पार्टनर कैपिटल में। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस अमाउंट से होगा सर, यहां रेशियो दिया हुआ था 3:2, तो 76,000 को आप 3:2 में डिवाइड कर दो, 3 और 2 5 हो गए, 5 1 5 5 5 25 5 2 15 215 45,600 और 15 30,400। तो इस तरह आपका जो है तीन एंट्रीज इस क्वेश्चन में बनेंगी, ए बी और सी। यहां स्टॉक को रिड्यूस किया, यहां आपने फर्नीचर को रिड्यूस किया, फिर रिवैल्यूएशन का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। इस क्वेश्चन में आपको बाई और टू का डिफरेंस ही बताया हुआ था, तो बाई का मतलब ऑलरेडी रिड्यूस्ड अमाउंट गिवन है और टू का मतलब आपको वहां तक लेके जाना है। तो 100% में से टू बता रहा है जहां तक लेके जाना था 40 तक लेके जाना था, तो 60% रिड्यूस्ड वैल्यू होगा, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, जेड एडमिट हो रहा है सर 1/4 शेयर के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड एट ₹80,000, हाफ इन्वेस्टमेंट बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹50,000, पास जर्नल एंट्रीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बताइए। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक्स और वाई पार्टनर है और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था सर, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, किसका, एक्स और वाई का, और जेड एडमिट हो रहा है सर 1/4 शेयर के लिए। एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन इन्वेस्टमेंट अपीयर एट ₹80,000, जब जेड का एडमिशन हुआ उस टाइम फर्म की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अपीयर थे एट ₹80,000। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं सर, एसेट होते हैं, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट आपको ₹80,000 से दिखाए हुए थे और इस 80,000 के इन्वेस्टमेंट में से हाफ इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट बुक ऑफ अकाउंट में अपीयर कितने से थे, यहां बताया था इन्वेस्टमेंट जो है अपीयर्ड थे सर यहां पे कितने वैल्यू से सर, ₹80,000 ये इनकी बुक वैल्यू थी, इसमें से हाफ इन्वेस्टमेंट आधे इन्वेस्टमेंट टेकन बाय किसने टेक ओवर कर लिए, एक्स एंड वाई ने टेक ओवर कर लिए, तो हाफ कितने हो गए सर, ₹40,000 के हो गए। और एक्स और वाई ने इसको टेक ओवर जब किया तो किस रेशियो में टेक ओवर किया सर, इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 था, तो इसको 3:2 में बुक वैल्यू पर ही टेक ओवर किया है, तो बुक वैल्यू पर टेक ओवर किया, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 से डिवाइड किया 8, 8 3 24, 8 2 16,
तो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टेक ओवर किसने की? एक्स ने। ये इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया वाई ने। अब रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितना रह गया? यहां पे रिमेनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगी या वे साहब 40,000 और रहेगी, क्योंकि हाफ तो ले गया, हाफ रह गई। अब ये जो रिमेनिंग 40 है, इसको हमने रिवैल्यू किया कितने अमाउंट पर? हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 50,000। तो इनको हमने वैल्यू किया वैल्यूड एट रुपीज 50,000 पर वैल्यू किया अपन ने। तो ये पूरा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कितने ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्स और वाई क्या कर रहे हैं सर? इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहे हैं। तो जब भी पार्टनर एसेट को टेक ओवर करेंगे तो पार्टनर कौन हो गए? रिसीवर हो गए। इनको डेबिट करो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज 24,000, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज 16,000 और टू क्रेडिट करेंगे। सर किसको क्रेडिट करेंगे? इन्वेस्टमेंट बिजनेस से गोज आउट हो गई तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितनी वैल्यू की इन्वेस्टमेंट आउट हुई सर? 40,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट फर्म से आउट हो गए। फर्स्ट एंट्री तो ये होगी। सेकंड, ये देखिए इन्वेस्टमेंट 40,000 इसकी बुक वैल्यू थी, जिसकी मार्केट वैल्यू यानी कि जिसको रिवैल्यू कितने पर किया सर? 50,000 पर रिवैल्यू किया। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 इंक्रीज हो गई। इन्वेस्टमेंट अपने लिए क्या होते हैं सर? एसेट होते हैं। एसेट की वैल्यू यहां क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहां रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। कितना रुपीज यहां पे इंक्रीज हो रहा था सर? 10,000 रुपीज इंक्रीज हो रहा था। और आपको पता है कि जब कोई एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए तो इन्वेस्टमेंट को हमें क्या करना है? डेबिट करना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000। तो ये एंट्री रिवैल्यूएशन के लिए होगी। इसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस हमें पार्टनर कैपिटल में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करना होता है। तो रिवैल्यूएशन के लिए सिर्फ एक ही एंट्री हमने पास की है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन का कौन सा बैलेंस है सर? क्रेडिट में बैलेंस है 10,000। तो रिवैल्यूएशन को तो क्रेडिट से डेबिट कर देंगे, इसका अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर रुपीज 10,000 से। और इस बैलेंस को हमें ट्रांसफर कहां करना है सर? ओल्ड पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करना है इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? एक्स और वाई है। तो यहां लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाईज कैपिटल अकाउंट। टू वाईज कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो। तो आप इसको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ सर 3:2 गिवन है। तो इसको 3:2 में डिवाइड करो 10,000 रुपीज को। तो 10,000 में को 3:2 में डिवाइड करना है। 3:2 कितना हो गया सर? 5 हो गया। 5 से डिवाइड किया तो 2,000 आया। 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6,000 हो गया। और इसी 2,000 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4,000 हो गया। इस तरह 3:2 में रिवैल्यूएशन का बैलेंस जो था वो ट्रांसफर हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। X and Y are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share of profit at the time of admission of Z. Debtor and provision for doubtful debt appear in the book 76,000 and 8,000 respectively. Rupees 6,000 of debtor proved bad. 6,000 के debtor bad proved हो गए। A provision of 5% is to be created on debtor for doubtful debts. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी कई बार आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है। और जब लॉन्ग क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आती है तो यहाँ पे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर एक्स और वाई पार्टनर थे। पहले मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स और वाई पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और एक पर्टिकुलर डेट को जेड एडमिट हो रहा है। मान लो यहां पे जेड एडमिट हो रहा है, जेड एडमिटेड। और जब जेड एडमिट हो रहा है उस टाइम पे जेड 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा था, तो फ्यूचर में पार्टनर कौन रह जाएंगे? एक्स वाई और जेड यहां पे फ्यूचर में पार्टनर रह जाएंगे। तो जेड फॉर 1/4 शेयर के लिए जेड एडमिट हो रहा है। फिर इस क्वेश्चन में क्या कहा कि जिस दिन जेड एडमिट हुआ था तो ऑन एडमिशन फर्म के पास क्या था? ऑन एडमिशन, एडमिशन के टाइम पर। तो एडमिशन के टाइम पर था तो एक्स वाई जेड का नहीं था, वो सिर्फ एक्स और वाई के लिए था। तो ऑन एडमिशन फर्म के पास डेटर्स था बैलेंस शीट में। कितनी वैल्यू का? डेटर्स की वैल्यू थी सर यहां पे जो है 76,000 था।
एसेट में, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था सर? ये 8000 दिया हुआ था। इस तरह फर्म की बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये चीजें दी हुई थी। और फिर आपको इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, यहां पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि सर यहां पे आपके जो 6000 के जो डेटर्स थे वो बैड प्रूव हो गए। तो 6000 के डेटर बैड प्रूव हो जाते हैं, और फिर आपको 5% प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पर। तो सबसे पहली बात, यहां पे जब डेटर 6000 के डेटर बैड प्रूव हो गए, तो सबसे पहले तो बैड डेटर्स की ही एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी यहां पे। तो सबसे पहले आप बैड डेटर्स की एंट्री पास करो। तो देखिए यहां मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं। प्रोविजन बैड डेटर बैड प्रूव हो गए, तो डेटर क्या होते हैं? एसेट होते हैं। और एसेट जब डिक्रीज हो जाती है तो एसेट अकाउंट को तो क्रेडिट करना है, क्योंकि जब ये डेटर्स बैड प्रूव हो गए मतलब डेटर्स की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, डेटर का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, तो डेटर्स अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। किस वैल्यू से? सर 6000 के बैड प्रूव हो गए, और यहां जो बैड डेट्स है वो अपने लिए क्या? लॉस है। और आपको पता है कि बैड डेट्स के लिए हम एंट्री क्या करते हैं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट हम एंट्री पास करते हैं। तो यहां पे बैड डेट्स के लिए एंट्री पास कर दी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। पहले तो बैड डेट्स के लिए एंट्री पास होगी। अब ये जो बैड डेट्स है इसको किससे चार्ज करना है? ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने 8000 रुपीज का बना रखा है, क्यों बना रखा है? इसीलिए तो बना रखा है अगर कोई अमाउंट बैड हो गया तो उसको आप इससे क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। तो इस बैड डेट्स को इस प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे, तो बैड डेट्स डेबिट से हो जाएगा क्रेडिट टू बैड डेट्स अकाउंट। 6000 रुपीज से बैड डेट्स क्रेडिट हो गया, और इस प्रोविजन अकाउंट में जो बैलेंस था ये 6000 डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जब प्रोविजन डिक्रीज हो जाएंगे तो प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। तो प्रोविजन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो आपको ये दो एंट्री पास करनी है, इसके बाद आपको सोचना है कि रिवेल्यूशन में क्या लेके जाना और क्या नहीं लेके जाना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, बैड डेट्स हो रहा हो, तो बैड डेट्स की एंट्री पास करो बैड डेट्स टू डेटर्स, और फिर बैड डेट्स को प्रोविजन से राइट ऑफ करो। तो प्रोविजन से एडजस्ट होने के बाद अब आपको नया प्रोविजन क्रिएट करना 5%। तो यहां देखिए मैं यहां लिख रहा हूं न्यू प्रोविजन का क्रिएशन कितना करना है एज पर क्वेश्चन। न्यू प्रोविजन, इस क्वेश्चन बोला कि नया प्रोविजन होना चाहिए 5% ऑन द डेटर्स। तो डेटर्स का वैल्यू कितना है? सर डेटर्स बैलेंस शीट में था 76000 था, लेकिन यहां से 6000 तो बैड प्रूव हो गया तो क्रेडिट हो गया, तो 6 माइनस करो तो डेटर्स की वैल्यू कितनी होगी? सर 70000 डेटर की वैल्यू होगी। इस पे 5% हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, कितना होगा? सर इस पे 5% होगा 3500 का न्यू प्रोविजन होगा, जबकि प्रोविजन अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस कितना? देखिए प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस था 8000, आउट ऑफ विच 6000 बैड डेट्स हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। तो नाउ ओल्ड प्रोविजन में बैलेंस कितना है? बैलेंस इन ओल्ड प्रोविजन, बैलेंस इन ओल्ड प्रोविजन, पुराने प्रोविजन में 2000 का बैलेंस रह गया, क्योंकि 8000 का बैलेंस था, उससे बैड डेट्स को आपने राइट ऑफ कर दिया 6000। तो यहां बैलेंस कितना रह गया? सर 2000 का बैलेंस रह गया। तो जरा बताओ पुराना प्रोविजन जो था उसमें बैलेंस 2000, और जो नया प्रोविजन क्रिएट करना है वो 3500 का है, तो यहां पे प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर 1500 से प्रोविजन इंक्रीज होगा। यहां पे प्रोविजन पुराना था 2000, नया प्रोविजन रखना है 3500, तो इसका मतलब 1500 से प्रोविजन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जब प्रोविजन की वैल्यू यहां पे इंक्रीज हो रही है तो हमें रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो, और आपको यह मालूम है कि प्रोविजन जब इंक्रीज होते हैं तो प्रोविजन क्रेडिट हो जाते हैं। तो यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो दिया हुआ है इसको क्रेडिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ था ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ था जिसको हमने क्रेडिट कर देना। कितनी वैल्यू से? जितना वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। सर 1500 इंक्रीज हो रहा है तो 1500 से इसको क्रेडिट कर दिया और रिवेल्यूशन को डेबिट कर दिया। तो फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री भी होगी। फोर्थ एंट्री कौन सी पास होगी? सर यहां पे रिवेल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। तो देखो यहां रिवेल्यूशन नहीं था, यहां रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 1500 रुपीज से। तो
1500 से डेबिट बैलेंस आ रहा है रिवेल्यूशन का, तो रिवेल्यूशन को डेबिट से क्रेडिट करेंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएगा टू रिवेल्युएशन अकाउंट 1500 रुपीज। और फिर डेबिट किसको करना है सर? इसको तो रिवेल्यूशन को क्रेडिट किया, इसका अकाउंट क्लोज हो गया, हमें डेबिट करना है पार्टनर कैपिटल को। किस पार्टनर कैपिटल को? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? एक्स और वाई है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इस 1500 की अमाउंट को आपको ओल्ड रेशियो यानी 3:2 में डिवाइड करना है। तो 3:2 का मतलब कितना हो गया सर? 5 हो गया। इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 300 आएगा। 300 × 3 900 इसके लिए हो जाएगा और 600 इसके लिए डेबिट हो जाएगा जेड के लिए। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। तो ये था आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन, ध्यान से इसको करेंगे। एक बार नहीं, चाहे आप इसको दो बार सोल्व करें, लेकिन ये क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये थे आपके रिवेल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। ये अपना टॉपिक था रिवेल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कीजिए, अपने बुक में से और क्वेश्चंस भी इसके ढूंढ के आपको सोल्व करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।